केंद्र की मोदी सरकार की रीति नीति से आक्रोशित कांग्रेसियों ने यात्री ट्रेनों के रद्द और लेट लतीफी के विरोध में रेल रोको अभियान चलाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी करीब आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक कोयला गाड़ी को रोक जमकर नारेबाजी की। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा केंद्र की मोदी सरकार की रीति नीति से आक्रोश कांग्रेसियों ने यात्री ट्रेन के रद्द और लेट लतीफी के विरोध में रेल रोको अभियान चलाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बुधवार को दुर्ग के रेलवे स्टेशन में कांग्रेसियों ने अपना आक्रोश दिखाया, जिसके चलते दुर्ग के प्लेटफार्म नंबर 2 पर आई मालगाड़ी की पटरी पर बैठ करीब आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक कोयला गाड़ी को रोककर जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार की ओर से किए गए ऐलान के तहत आज रेलवे स्टेशन दुर्ग में सैकड़ों की संख्या में जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और रेल पटरी पर बैठकर रेल रोको आंदोलन के आगाज को अंजाम दिया। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में दुर्ग पुलिस और RPF के जवानों की तैनाती की गई थी। ग्रैंड एशियन न्यूज से नसीम फारूकी ने दुर्ग विधायक अरुण वोरा और कांग्रेस पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से चर्चा की। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश का वातावरण बना हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने के जो सरकारी संस्थान थे उनका प्राइवेटाइजेशन करने का काम मोदी सरकार कर रही है। यहाँ तक रेल विभाग का भी निजीकरण करने का कार्य इनका प्रारंभ हो गया है, अडानी के हाथ सौंप सके ताकि अडानी जी को इसका फायदा मिल सके। और आप देख रहे हैं कि कोरोना काल से लेकर आज तक ट्रेन बंद है, लोग कुछ ट्रेन आ रही है वो भी अनियमित है, लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सस्ता सरल सुगम अगर कोई साधन है आम आदमी के लिए तो वो ट्रेन है, उसको भी बंद करने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। यह तो अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल हैं और उन्होंने अपने स्वयं के संसाधन के आधार पर प्रदेश में 5 वर्ष तक सरकार चलाई है। केंद्र सरकार ने एक फूटी कौड़ी की मदद नहीं की है। उन्होंने कहा कि रेल का परिचालन होना चाहिए लेकिन केंद्र की सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई रही, उसको जगाने के लिए आज पूरे प्रदेश में यह आंदोलन किया जा रहा है। ट्रेन विरोधी जो नीतियां हैं जिसके तहत यात्री ट्रेनों का परिचालन अनावश्यक रूप से बंद किया जा रहा है, बाधित किया जा रहा है, बहुत ही यात्रियों को परेशानी हो रहा है और वो भी गरीब यात्रियों को परेशानी हो रहा है केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के कारण, जिसके कारण आज पूरे प्रदेश में रेल रोको आंदोलन का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। आगे हम लोग हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर आगे इस प्रकार की यदि कोई भी कार्रवाई होगी तो उसका हम सब विरोध करते रहेंगे। हम लोगों ने जो रेल आंदोलन किया था हम लोग बहुत सफल रहे, पूरे कांग्रेसी लोग एकजुट होकर के यहाँ पर एकत्रित हुए, जनता भी हमारे साथ में। मोदी सरकार के जो कथनियों करनी में बहुत अंतर है क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। और आज उन्होंने जिस तरह के एक माफिया चलाया है कि जो कोयला के माध्यम से जो अडानी और अंबानी को फ़ायदा दिलाना चाह रहे हैं, आज जनता के बीच में ये महसूस होने लगा है कि हम लोग इस सरकार को अब हटाना है क्योंकि सरकार हमारे लिए लाभान्वित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार जब भी रही है लोगों को फायदा ही दिलाती रही है। मैं मोदी जी से इतना ही कहना चाहूँगी कि आप कोयला माफिया करने के चक्कर में ट्रेनों को क्यों रद्द करते जा रहे हैं और लोगों को क्यों त्राही त्राही मचा रहे हैं। मैं पुनः कहूँगी कि कोयले की खरीदी फरोख्त के लिए आप जो अडानी को फायदा दे रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा दे रहे हैं, तो आप कुछ गरीब वर्गों के लिए भी सोचें। छत्तीसगढ़ में रेल रोको आंदोलन के आह्वान पर दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुँच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
एक मालगाड़ी को रोक सांकेतिक विरोध जताया। दोपहर 12 बजे के बाद दुर्ग स्टेशन पहुंचे कांग्रेसियों ने रेलवे प्रशासन और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं महामंत्री राजेंद्र साहू ने बताया कि कांग्रेस सरकार हवाई अड्डे लौह कारखानों को निजी हाथों में सौंपने के बाद अब रेलवे को बेचने का षड्यंत्र कर रही है। नतीजतन सभी यात्री गाड़ी या तो विलम्ब से चल रही है या रद्द किया जा रहा है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है सभी प्रकार के उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम किया जा रहा है। रेलवे बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं, लो संयंत्र बेच रहे हैं, ऐसे बहुत से उपक्रम है और वही जो यात्री ट्रेनें हैं उसको या तो रद्द किया जा रहा है या विलम्ब से चल रही है। वही दूसरी ओर अडानी के जो मालगाड़ी है वो लगातार अनवरत चल रही है। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। एक और जहां कांग्रेस सरकार में त्योहार के समय विशेष ट्रेन लगाया जाता था, स्पेशल ट्रेन लगाई जाती थी नवरात्रि के समय और रक्षाबंधन के समय, दिवाली के समय, होली के समय, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के द्वारा यात्री गाड़ियों को रद्द किया जाता है त्योहार के समय। हमारे निम्न और मध्यम वर्ग के लोग जो रेल यातायात को सुगम और सस्ता समझते हैं उनको व्यवधान पैदा कर रहे हैं ताकि लोगों का विश्वास यात्री या रेलवे से उठ जाए और रेलवे के अपने मित्र को अडानी अंबानी को बेच सके। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा मांग है कि देश में, पूरे देश में ट्रेन सही समय पे चले और यात्री गाड़ी जो रद्द हो रही है उसको न रद्द किया जाए बल्कि मालगाड़ी को रोका जाए।